क्या आपको पेनिस से सफ़ेद, पीला या हरे कलर का पस आता है? क्या आपको यूरिन पास करने के समय दर्द और जलन का अनुभव होता है? क्या आपके लिंग में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं? क्या आप हैं गोनोरिया रोग से परेशान? हाँ तो घबराइए नहीं, आज मैं आपको गोनोरिया इन मेल सुजाक रोग के बारे में सारी जानकारी दूंगा और साथ में इसके सिम्टम्स, काउज और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो मैं हूं भानु प्रताप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड मेडिसिन में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए जानते हैं हम सबसे पहले व्हाट इज गोनोरिया इन मेल, क्या होता है सुजाक। तो गोनोरिया इन मेल एक प्रकार का इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि गोनोकोकस नाइजीरिया नाम के बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। जब कोई मेल एंड फीमेल आपस में सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, संभोग की क्रिया करते हैं, तो उसके द्वारा गोनोरिया का जो बैक्टीरिया होता है पुरुष के लिंग द्वारा यूरेथ्रा में चला जाता है। मूत्र नली में जाने के बाद वहाँ पे वो म्यूटेशन की क्रिया द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाता है और अपनी संख्या को बढ़ाने के बाद यह रोग धीरे धीरे उत्पन्न हो जाते हैं, तो उसी को हम गोनोरिया इन मेल या फिर सुजाक रोग कहते हैं। यह समस्या एक आम समस्या है जो कि बहुत से लोगों को हो जाया करता है, और अगर आपको हो गया है तो घबराइए नहीं, आज मैं आपको होम्योपैथिक की 5 मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, और इसका प्रयोग अगर आप 1 से 3 महीना तक कंटिन्यू कर लेते हैं तो गोनोरिया इन मेल की समस्या लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं हम इसके काउज के बारे में। तो जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि यह एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो कि गोनोकोकस नाइजीरिया नाम के बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। तो चलिए जानते हैं हम इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इस डिजीज को हो जाने के बाद सबसे पहले इंसान के लिंग के अग्रभाग से गोनोकोकस नाइजीरिया नाम का बैक्टीरिया यूरेथ्रा के अंदर चला जाता है और यूरेथ्रा में ही अपनी संख्या को धीरे धीरे म्यूटेशन के रूप में धीरे धीरे बढ़ाने लग जाता है, और जब अपनी संख्या को यूरेथ्रा में बढ़ा लेता है तो वहाँ पे धीरे धीरे यूरिन पास करने के समय जलन और दर्द का अनुभव होने लग जाता है। फिर धीरे धीरे कभी कभी लिंग में छोटे छोटे दाने निकलने लग जाते हैं और उसमें खुजली होने लग जाती है। जब यह रोग धीरे धीरे पुराना होने लग जाता है तो लिंग से सफ़ेद, हरा या फिर पीले कलर का मवाद निकलने लग जाता है, और तब यह रोग बहुत ज़्यादा फैल जाता है और पूरे शरीर में कभी कभी रेसेज निकलने लग जाते हैं, कभी कभी फीवर आने लग जाता है, हार्ट का तेज चलना शुरू हो जाता है, कभी कभी फीवर इतना तेज आता है कि इंसान एकदम परेशान हो जाता है, फिर और आगे चल करके लिंग में सूजन वगैरह आ जाता है, हर समय पीला या सफ़ेद कलर का मवाद निकलते रहता है, चलने फिरने में भी इंसान को ऐसा लगता है कि जलन महसूस हो रहा है, बूंद बूंद पेशाब निकलने लग जाता है, यूरिन पास करने के समय बहुत ज़्यादा दर्द का अनुभव होता है। तो यही सब सिम्टम्स उभर कर सामने आते हैं। तो चलिए जानते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो पहली मेडिसिन का नाम है क्लेमेटिक्स 200 नंबर। इसे 2-2 बूंद 3 टाइम ऐसे ही जीभ पे लेना है। यह बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गोनोरिया की समस्या के लिए। अगर यूरेथ्रा में सिकुड़न हो रहा हो, मूत्र नली में सिकुड़न हो रहा हो, तो उसमें दवा बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी मेडिसिन का नाम है एसिड नाइट्रिक 200 नंबर। इसे भी 2-2 बूंद 3 टाइम ऐसे ही जीभ पे लेना है। यह भी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है गोनोरिया की समस्या के लिए। अगर किसी इंसान के लिंग में छोटे छोटे दाने हो जा रहे हों, उसमें खुजली हो रहा हो, तो उसमें यह दवा बहुत अच्छा काम करता है। तीसरी मेडिसिन का नाम है पल्सेटिला 200 नंबर। इसे भी 2-2 बूंद 3 टाइम ऐसे ही जीभ पे लेना है। अगर हाइड्रोसिल में सूजन आ रहा हो, साथ में पस चल रहा हो, हरा या फिर पीला या फिर सफ़ेद कलर का, तो उसमें दवा बहुत अच्छा काम करता है। चौथी मेडिसिन का नाम है थूजा 200 नंबर। इसे भी 2-2 बूंद 3 टाइम ऐसे ही जीभ पे लेना है। यह गोनोरिया रोग की स्पेसिफिक दवा मानी जाती है। यह दवा को आप शुरू से लेकर के रोग के अंत तक ले सकते हैं और उसमें यह दवा बहुत अच्छा काम करता है।
पांचवी मेडिसिन सबसे पावरफुल मेडिसिन जिसका नाम है एडल 29 नंबर। इसे 20-20 बूंद 3 टाइम आधा कप पानी में डाल कर लें। यह दवा भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, यूटीआई के नाम से जाना जाता है। तो यह पांचों मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और इसका प्रयोग अगर आप 1 से 3 महीना तक कंटिन्यू कर लेते हैं तो गोनोरिया इन मेल की समस्या लगभग ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं हम इसके डाइट इंस्ट्रक्शन के बारे में कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या सावधानियां नहीं रखनी चाहिए। तो जितना हो सके उतना आप हरी साग सब्जियां, रेशेदार फल वगैरह खाएं और जितना हो सके उतना आप सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले कंडोम का इस्तेमाल ज़रूर करें और जितना हो सके उतना आप सेक्स के बाद या सेक्स के पहले या फिर हर समय साफ सफाई का अच्छी तरह से ध्यान रखें ताकि आपको गोनोरिया का बैक्टीरिया फैलने से आप अपने आप को रोक पाएँ। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।